नमस्ते दोस्त, टेकमेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है मैकेनिकल मेंटेनेंस पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में एग्जाम में ज्यादा करके ड्राइंग किस तरह से पूछे जाते हैं और आपने निकालना चाहिए कौन से ड्राइंग इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में ज्यादा करके लेथ मशीन के ऊपर डायग्राम निकालना चाहिए। लेथ मशीन का पूरा डायग्राम, उसके मेन पार्ट्स पूरा आपको पूछा जाता है। इसके बाद शेपिंग मशीन, हाइड्रोलिक शेपर, इसके भी डायग्राम पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद कैरेज, लेथ मशीन का जो कैरेज रहता है उसका डायग्राम आपको निकालने को आना चाहिए। उसमें मेन पार्ट्स कौन से रहते हैं वो आपको दिखाना चाहिए। टेल स्टॉक, लेथ मशीन का टेल स्टॉक पार्ट है, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका अलग अलग पार्ट्स इंपॉर्टेंट क्या है, टेल स्ट्रोक, स्पिंडल, बॉडी, व्हील्स, ऐसे अलग अलग पार्ट आपको ड्रॉ करके वहां पे असेंबल करके ड्रॉ करके उसको नेम ऑफ द पार्ट्स आपको दिखाने का। इसके बाद स्लॉटिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन का डायग्राम आपको आना चाहिए। ग्राइंडिंग व्हील, अलग अलग टाइप के ग्राइंडिंग व्हील रहते हैं, उसके आपको डायग्राम निकालने के एग्जाम में आते हैं। मैंड्रिल, लेथ मशीन के ऊपर मैंड्रिल पूछे, किस तरह से होल्डिंग किए जाते हैं उसके अलग अलग मैंड्रिल के डायग्राम रहते हैं, वो आपको आना चाहिए। तो ये सभी डायग्राम बुक के अंदर रहते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे पेपर के ऊपर तो आपको एग्जाम में डायग्राम इम्पोर्टेंट रहते हैं। डायग्राम अगर रहेगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। इसके बाद ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन में बेंच टाइप ड्रिल मशीन, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल, सेंसिटिव ड्रिल मशीन, ऐसे ड्रिलिंग मशीन के प्रकार के कोई भी एक ड्रिल मशीन का डायग्राम पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको टेपर टर्निंग, लेथ मशीन का ही पार्ट है टेपर टर्निंग, अलग अलग टाइप के टेपर टर्निंग, फॉर्म टर्निंग, ऑफसेट टेपर टर्निंग, इनके डायग्राम पूछे जाते हैं। इसके बाद ड्रिल चक, स्लीव, ऐसे डायग्राम पूछे जाते हैं। बेंच ग्राइंडर के ऊपर आपको डायग्राम आना चाहिए। उसके बाद फेस प्लेट, देन फेस प्लेट भी आपको डायग्राम आना चाहिए। फोर जॉ चक, थ्री जॉ चक, ऐसे अलग अलग चक आपको पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक चक, चक के भी डायग्राम पूछे जाते हैं। ये सभी मार्क्स एक या दो मार्क के रहते हैं। मार्क्स 40 मार्क का ही क्वेश्चन पेपर रहता है, तो इसी में आपको मार्क्स सब डिस्ट्रीब्यूट किए रहते हैं। लेथ टूल, अलग अलग टाइप के लेथ टूल्स आपको पूछे जाते हैं। फेसिंग टूल, पार्टिंग टूल, बोरिंग टूल, ऐसे अलग अलग बहुत टूल्स रहते हैं, उनके डायग्राम आपको आना चाहिए। इसके बाद मिलिंग कटर, मिलिंग कटर में भी आपको 10-12 टाइप की मिलिंग कटर है, कोई भी कटर आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। फेसिंग कटर, फेसिंग कटर या एंगुलर कटर, ऐसे अलग अलग कटर, कॉन्वेक्स कटर, कॉन्वेव कटर, ऐसे अलग मिलिंग कटर रहते हैं। प्लेन एंड मिलिंग कटर, तो कटर भी आपको मिलिंग कटर आना चाहिए डायग्राम में। इसके बाद रिमर, ड्रिल, इसके ऊपर रिमर, टेपर रिमर, प्लेन रिमर, मशीन रिमर, इनके डायग्राम आपको आना चाहिए। ड्रिल में भी आपको टेपर ड्रिल रहता है, पैरेलल ड्रिल रहता है, तो अलग अलग टाइप के ड्रिल के डायग्राम आपको ड्रॉ करना चाहिए। फॉलोअर रेस्ट, स्टडी रेस्ट, लेथ मशीन के पार्ट्स है, इनके भी डायग्राम आप बोर्ड में पूछे जाते हैं। फॉलोअर रेस्ट, स्टडी रेस्ट, तो और मिलिंग मशीन का डायग्राम आपको आना चाहिए। ऐसे अलग अलग टाइप के पूरा चैप्टर में पेपर वन में डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क मिल सकते हैं। इनके सभी डायग्राम आपको अभी दिखा रहा हूं मैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कौन से डायग्राम आपको ड्रॉ करने चाहिए। ये लेथ मशीन का डायग्राम है, देखो ये इंजन लेथ का डायग्राम है। ऐसे अलग अलग डायग्राम आप निकल सकते हैं लेथ मशीन के। ये देखो, ये बेंच लेथ ग्राइंडर है। इसके बाद ये देखो, इस तरह से आप डायग्राम निकालेंगे और पार्ट्स नेम दिखाएंगे तो आपको फुल मार्क मिल सकते हैं।
इस डायग्राम में पूरे आपको पार्ट दिख रहे हैं, देखो सभी पार्ट्स के नाम दिखे आपको लिखा है यहाँ पे, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, बॉडी, कूलेंट पंप, टूल पोस्ट, स्पिंडल, टेल स्टॉक, ऐसे गियर बॉक्स, ये टेल स्टॉक का डायग्राम है। आप इस तरह से डायग्राम निकालेंगे टेल स्टॉक का और मेन पार्ट्स आपको दिखाएंगे तो आपको फुल मार्क मिल सकते हैं। इसके बाद कैरेज का डायग्राम देखो, इस तरह से कैरेज का डायग्राम आना चाहिए। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये डायग्राम सब आएंगे आपको ड्रॉ करने के लिए। इसके बाद टूल पोस्ट, इसमें टूल लगेला है, टूल स्क्रू लगा है लॉक करने के लिए, इस तरह से ये थ्री जॉ चक है यहाँ पे देखो आपको दिख रहे हैं। इसके साथ जॉ भी दिखाया है और चक की भी दिखाया है, इसमें थ्री जॉ चक इसे कहते हैं। ये फोर जॉ चक है, फोर जॉ चक आपको देखो इस तरह से डायग्राम निकालने का है। एग्जाम में जॉ चार जॉ है रहते हैं इसमें, इसीलिए इसे फोर जॉ कहते हैं। और पार्ट के नेम भी आपको दिखाने के हैं, ये भी फोर जॉ चक है देखो, इसे कॉम्बिनेशन चक भी कहते हैं। इस तरह से भी आप डायग्राम निकालेंगे तो चलेगा। ये देखो ये मैग्नेटिक चक है, इसे मैग्नेटिक चक, इसके ऊपर जॉब मैग्नेट के ऊपर चिपक जाता है तो फिर आप काम कर सकते हैं। ये लेथ मशीन के फेस प्लेट है, अलग अलग शेप में देखो आपको दिखा रहे फेस प्लेट, ये देखो ये फेस प्लेट है। इसके बाद ये ड्राइविंग प्लेट है, इसे ड्राइविंग प्लेट कहते हैं। इसके बाद मैंड्रिल पूछे जाते हैं, ये प्लेन मैंड्रिल है, ये स्क्रू मैंड्रिल है देखो, ये अलग अलग टाइप के वॉशर इसमें आप पकड़ के आप मैंड्रिल कर सकते हैं। ये कोन मैंड्रिल है, इसे गैंग मैंड्रिल कहते हैं, देखो ये गैंग मैंड्रिल है। एक साथ में 10-12 पीस अलग अलग डायमीटर के आप इसमें होल्ड करके आप लेथ मशीन के ऊपर काम कर सकते हैं, इसलिए इसे मैंड्रिल कहते हैं, गैंग मैंड्रिल कहते हैं इसे। इसके बाद स्टेडी रेस्ट और फॉलो रेस्ट, देखो लेथ मशीन के ऊपर सपोर्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है, ये रेस्ट है और ये स्टेडी रेस्ट देखो इस तरह से रहता है, जॉब लंबे जॉब पकड़ने के लिए सपोर्ट देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉलोअर रेस्ट है, देखो ये फॉलोअर रेस्ट है, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप के लेथ मशीन के ऑपरेशन इनके डायग्राम पूछे जाते हैं। ये फेसिंग ऑपरेशन है, इसके बाद ये बोरिंग ऑपरेशन है, अंदर से बोर किया जाता है। इसके बाद जॉब के ऊपर सेंटरिंग ऑपरेशन दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे सेंटर किया जा रहा है, इसे सेंटरिंग ऑपरेशन कहते हैं। ये रिमिंग ऑपरेशन है, यहाँ पे मशीन के ऊपर रिमिंग किया जा रहा है। ये नर्लिंग ऑपरेशन, नर्लिंग टूल्स से जॉब के ऊपर नर्लिंग किया जाता है, ये ऑपरेशन है, नर्लिंग से आपको ग्रिप मिलता है। ये थ्रेडिंग ऑपरेशन है, लेथ मशीन के ऊपर थ्रेडिंग किया जाता है। ये चैम्फरिंग ऑपरेशन है, इसके बाद ये पार्टिंग ऑपरेशन है, अंदर कट इसे कहते हैं पार्टिंग ऑपरेशन। इसके बाद टेपर टर्निंग ऑपरेशन आता है, ये देखो ये फॉर्म टूल से टेपर टर्निंग बनाया जाता है, ये टेल स्टॉक ऑफसेट से टेपर टर्निंग किया जाता है। ये सिवेलिंग ऑफ कंपाउंड रेस्ट, इससे कंपाउंड रेस्ट मेथड से ये टेपर टर्निंग किया जाता है। ये अटैचमेंट लगा के टेपर टर्निंग किया जाता है देखो इस तरह से। इसके बाद दूसरा चैप्टर चालू होता है ड्रिलिंग मशीन, तो ड्रिलिंग मशीन में देखो ये बेंच टाइप ड्रिल मशीन है, इसका मेन पार्ट्स आपको दिखाने का है देखो इस तरह से। डायग्राम आप निकालेंगे तो आपको फुल मार्क मिल सकते हैं। देखो ये दूसरा मशीन है, कॉलम टाइप ड्रिल मशीन, सेंसिटिव ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन। इसके बाद रिमर है, अलग अलग टाइप के रिमर है, हैंड रिमर है, टेपर रिमर है, देखो फ्लूट रिमर है, एडजस्टेबल रिमर है, ये सभी रिमर आपको ड्रॉ करने का है देखो इस तरह से।
ये हैंड रिमर, मशीन रिमर, ऐसे फ्लोटिंग रिमर, एक्सपांशन रिमर, एडजस्टेबल रिमर, तो ये रिमर के प्रकार हो जाते हैं। ये ड्रिल मशीन का स्लीव है, ये चक बेंच वाइस मशीन वाइस है, ड्रिल मशीन के ऊपर यूज किया जाता है। ये ग्राइंडिंग व्हील है, अलग अलग शेप के ग्राइंडिंग व्हील आते हैं। देखो ये सब ग्राइंडिंग व्हील का डायग्राम आपको आना चाहिए। ये शेपिंग मशीन है, शेपिंग मशीन का डायग्राम। इसके बाद आपको ये हाइड्रोलिक शेपर है, इसका डायग्राम आपको आना चाहिए। देखो ये हाइड्रोलिक शेपर कहते हैं इसे। तो इस तरह से ड्राइंग आप निकालेंगे तो आपको फुल मार्क मिल सकते हैं। डायग्राम निकालने के बाद पार्ट्स का नाम इम्पोर्टेंट है। ये शेपिंग मशीन का गियर टाइप शेपिंग मशीन है, देखो इस तरह से आप निकल सकते हैं। ये डायग्राम है देखो, या हाइड्रोलिक शेपिंग मशीन, देखो इस तरह से हाइड्रोलिक शेपिंग का डायग्राम आप निकलना चाहिए। इसके शेपिंग मशीन का क्लैपर बॉक्स, ऐसे आपको ये हेड देखो इस तरह से आपको ड्रॉ निकलना चाहिए। सब शेपिंग मशीन के मेन पार्ट्स कौन से रहते हैं उनके भी डायग्राम पूछे जाते हैं। ये मिलिंग मशीन का डायग्राम है, ये मिलिंग मशीन कटर, अलग अलग कटर रहते हैं। ये देखो एंगुलर कटर है, एंगल कटर, प्लेन मिलिंग कटर, स्लैब कटर, देखो फेस कटर, इसे साइड एंड फेस कटर कहते हैं। ऐसे अगर प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ड्राइंग निकालने का, तो आपको फुल मार्क मिल सकते। आपको आपने यह वीडियो पूरा देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे मैकेनिकल मेंटेनेंस के पेपर वन के पेपर टू के रोज़ अलग अलग टाइप के वीडियो रोज मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए। टेक्मैक चैनल, आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।